और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के तहत आज देश के 49 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें शामिल हैं। आज यानी कि सोमवार को यूपी के मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा में मतदान जारी है। केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने वाले राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व उनकी माँ सोनिया गांधी 2004 से कर रही थी। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को इस सीट से मैदान में उतारा है। वहीं अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में हैं, जबकि गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके अलावा लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला सपा के मौजूदा विधायक यानी कि लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा से है। पांचवें चरण में अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहनलालगंज से, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन से, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और सांसद लल्लू सिंह फैजाबाद से लोकसभा सीट से चुनावी मुकाबले में हैं। आपको बता दें कि पांचवें चरण में यूपी की 14 सीटों और महाराष्ट्र की 7, बंगाल की 7, बिहार और उड़ीसा की 5, झारखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बता दें कि चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित होंगे। वहीं चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हैं। आपको वोट डालने के बाद सत्ता और प्रतिपक्ष में भी घमासान चल रही है, तो लगातार 2024 के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और ये सरगर्मियां अब हमें चुनावी रण में भी देखने को मिल रही हैं। वोटिंग के दौरान लगातार सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच भी घमासान छिड़ी हुई है और लगातार सभी दल सभी पार्टियों के प्रत्याशी ये वोट के लिए अपील कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि पहले मतदान और बाद में जलपान। लेकिन पांचवें चरण के चुनाव बेहद खास हैं, क्योंकि यूपी की 14 सीटों पर होने वाले पांचवें चरण के चुनाव में बेहद खास हैं रायबरेली, अमेठी, लखनऊ की ये सीट और साथ ही साथ कैसरगंज पर भी दाव लगा हुआ है कि आखिर यहां से किसे राज तिलक होगा, किसे यहां से विजय मिलेगी और कौन यहां से महारत हासिल करेगा। वहीं एनडीए का जो नारा है 400 पार, क्या वो सच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या पांचवें चरण के चुनाव में किस सीट से किसको विजय मिलेगी और आखिर मतदान में जो इजाफा हो रहा है पांचवें चरण के चुनाव में, अगर हम बात करें पहले दूसरे और तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में तो खासा इजाफा देखने को नहीं मिला, लेकिन पांचवें चरण के चुनाव में अगर हम बात करें तो पांचवें चरण का चुनाव बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि लगातार सुबह से ही मतदाताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। मतदाता अपने पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और लगातार मतदान कर रहे हैं। तो पहले मतदान फिर जलपान, ये हमें पांचवें चरण में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, आज की चर्चा आधारित है रायबरेली, अमेठी और लखनऊ सीट पर। आखिर विजय कौन होगा, आखिर मतदान का यहां पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है और चुनाव यानी कि चुनावी नतीजे 4 जून को आएंगे, तो 4 जून में क्या खास हो सकता है इस पांचवें चरण की सीटों को लेकर। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सभी गेस्ट लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए सिद्धांत सिंह, आरएलडी से विवेक पांडे, कांग्रेस से दीप चंद्र राठौर अपना पक्ष रखेंगे, वहीं समाजवादी पार्टी से आरिफ अपना पक्ष रखेंगे। तो आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा बीजेपी से है, सिद्धांत जी, रायबरेली, अमेठी और लखनऊ सीट पर सबकी नजर है, ऐसे में शुरुआत से ही मतदाताओं में जोश भी दिख रहा है, लेकिन रायबरेली अमेठी सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, कितना भारी और कितना चुनौतीपूर्ण यहां से मतदान होगा सिद्धांत जी? मैम, रायबरेली सीट का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी की सियासत के लिए सबसे बड़ा गले की हड्डी बनी हुई है जी। वहां पर काफी मंथन करने के बाद कभी प्रियंका जी, कभी सोनिया जी, तो कभी स्वयं राहुल गांधी जी को उतारने की बात हो जाती। वहां पर जनता से ज्यादा
स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि क्या यह वहां पर एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो चुनाव जीत सकता था। हमारी रायबरेली की सीट फिक्स थी, हमने पहले से ही बताया था कि हम इनको ही उतारेंगे, हमने उनको ही अपने मैदान में उतारा है। दूसरा लखनऊ की बात, लखनऊ सीट को बहुत पहले क्लियर कर दिया गया था कि सीट जो है वो राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, वो उनकी पैतृक सीट है और उस पर वो चुनाव लड़ते हैं और कंसोलिडेटेड वो जीती हुई सीट उनकी मानी जाती। तीसरी बात हम अमेठी की कर ले, अमेठी में हमने कोई बदलाव नहीं किया है। तो यदि हमें हमारी नीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, इसलिए हमें अपने कैंडिडेट में बहुत बदलाव नहीं करना पड़ रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ देख ले, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनको बार बार अपने कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं। उन्हें अपनी सीटों पर जब कैंडिडेट हारते दिख रहे हैं तो उन्हें अपने महारथी उतारने पड़ रहे हैं। आपने एक रुझान देखा, अभी सोनिया गांधी जी ने कहा कि रायबरेली की जनता हम अपने राहुल गांधी को आपको सौंप रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये शायद 100 या 200वीं बार होगा जब राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने का प्रयास किया गया है। तो राहुल गांधी जी, मुझे ये लगता है जो व्यक्ति 55-56 साल की उम्र तक कर लॉन्च ही होता रहेगा तो वो देश के विकास के लिए कार्य कैसे करेगा। अगर आप देख लीजिए आजकल जो से भी तो लॉन्चिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने एक लॉन्च किया है कैंडिडेट। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, उधर से काफी स्लो, बीच में ट्रैफिक काफी आ रहा है। सिद्धांत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत बहुत स्लो आ रही है काफी, मतलब मैं सिद्धांत जी मेरी आवाज आपको आ रही है जी। सिद्धांत जी मेरा प्रश्न था कि कैसरगंज सीट से भी तो भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्चिंग की है, उसे क्या कहेंगे कि क्या ये लॉन्चिंग नहीं है? ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है जी। मैम बिल्कुल डेफिनेटली हमने वहां पर बदलाव किया है। जहां पर हमें ये लगता है कि व्यक्ति के ऊपर, मान लीजिए किसी के ऊपर कोई आपराधिक प्रश्न उठ रहे हैं या उसकी छवि थोड़ी सी भी उस पर दाग लगा हुआ है या वहां पर उन्होंने कोई भी गलती की है जो न्यायालय में अभी न्यायालय के समक्ष रखी गई है, उस पर विचार हो रहा है, हमने ऐसे व्यक्ति की टिकट पहले ही वहां से काट दी। अब वहां पर अगर ये कहा जाए कि उसके बेटे को टिकट क्यों दे दी गई, तो आप किसी के बेटे को उसके अपराध की सजा का दोषी तो नहीं माना जा सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर आज हम वहां पर करण शरण सिंह को वहां पर उतार रहे हैं तो ये हम एक नए व्यक्ति को चांस दे रहे हैं। हमने किसी बड़े नेता के बेटे को वहां से नहीं उतारा। हम चाहते तो वहां से अमित शाह जी को उतार सकते थे, हम चाहते तो वहां से स्वयं किसी और बड़े नेता को उतार सकते थे, लेकिन हमने कैसरगंज की जनता के अनुरूप अपने प्रत्याशी को वहां उतारा है। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को लॉन्च किया है, दीपचंद्र जी इस बड़े बयान का जवाब दीजिए। ये सिर्फ लॉन्च नहीं है, ये रिलॉन्च है। मैम दीपचंद जी आवाज आ रही है आपको? तो अभी हमारे सहयोगी सिद्धांत सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को लॉन्च किया है, लेकिन लॉन्चिंग हर पार्टी में चल रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए पहली बात तो मैं आपको, दीपचंद जी आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक है आरिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गठबंधन पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार लॉन्चिंग कर रही है, सोनिया गांधी राहुल गांधी को लॉन्च कर रही है, एक बार फिर से उन्हें चुनावी मैदान में लॉन्च करने की तैयारी में है। आरिफ जी आपको आवाज आ रही है? तो विवेक जी आरएलडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में है, शायद नेटवर्क इश्यू चल रहा है इसलिए हमारे गेस्ट हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। विवेक जी क्या जरूरत आज पड़ी कि आपको सपा छोड़कर आरएलडी में जाना पड़ा? नहीं देखिए ये सैद्धांतिक नीतियों की बात है, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में भारत एक विश्व गुरु और महाशक्ति, साफ नहीं आ रही है अभी। हमारे सहयोगी सिद्धांत जी ने कहा था कि लॉन्चिंग की बात चल रही है, लगातार दल बदले जा रहे हैं, लेकिन दल बदलना तो भारतीय जनता पार्टी में भी जारी है ना, आखिर ऐसे क्या लुभावना दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सभी अन्य दल अपने दल छोड़ छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं?
मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, मैंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां पर राहुल गांधी जी को शायद ये 100 से 200 भी बार होगा जब दोबारा रिलॉन्च किया जा रहा है कि हम आपको सौंप रहे हैं, मतलब जनता को 100वीं बार शायद सौंपा जा रहा है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज, विवेक आपकी आवाज आ रही है? थोड़ा लाउड बोलेंगे तो हमारे दर्शकों को भी पता चलेगा। जी, आपने एक सवाल पूछा था कि क्या कारण था कि आरएलडी जाना पड़ा। जी देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग जमीनी स्तर पर छात्र जीवन से ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जुड़े रहे हैं जी। और पार्टियां जब अपने सैद्धांतिक और नैतिक आधार से भटकने लगती है और राष्ट्र हित में काम न करते हुए केवल अपने पार्टी के आंतरिक गुटों तक सीमित होने लगती है तो वहां पे कार्यकर्ताओं के भविष्य से भी खिलवाड़ होता है और नीतियों से भी खिलवाड़ होता है और जनता की अपेक्षाओं से भी खिलवाड़ होता है। आरएलडी में जाने का सिर्फ और सिर्फ एक नियति जो आपने पूछा, पहले मैं स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल जवान और किसान की बात करता है, जवान और किसान के एजेंडे पे काम करता है। और सबसे बड़ी बात, आज तक एक ऐसा राष्ट्रीय दल है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा दल है जिसकी छवि बेदाग है, जिसने जवानों के हित में आवाज उठाई, किसानों के हित में आवाज उठाई, युवाओं के हित में आवाज उठाई, सम्मान के हित में आवाज उठाई, राष्ट्र के लिए समर्पित होने का कार्य किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आरएलडी हमने ज्वाइन किया तो मैंने आरएलडी को इसी परिपेक्ष में ज्वाइन किया है क्योंकि हमें इस राष्ट्र के हित के बारे में सोचना है। राष्ट्र को जम्मू द्वीप कैसे बनाया जाए, यहाँ पे तो भाजपा के जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जो हमारे सहयोगी दल के लोग हैं, वो तो अभी पीओके की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि जम्मू द्वीप की बात होनी चाहिए। और जम्मू द्वीप की बात जब करनी है तो आपको ऐसे दलों के साथ आना पड़ेगा, सारे दलों को एक मंच पे आना पड़ेगा जो कि एक उद्देश्य रखते हो, भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विश्व गुरु बनाने का जिनका उद्देश्य हो। तो मुझे लगता है कि मैंने आरएलडी ज्वाइन करके मुझे लगता है कि कोई गलत कार्य नहीं किया और मुझे बिल्कुल भी इसका कोई पछतावा नहीं है। 7 साल पूरी समर्पण से जो दायित्व मेरे पास समाजवादी पार्टी में था उसको निभाने के बाद अगर मैं आरएलडी के साथ आज जुड़ा हूं तो वैचारिक आधार पर जुड़ा हूं। समाजवादी पार्टी के पटल पे रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है, समाज से, समाज के लिए आवाज उठाई है, मुद्दों पे आवाज उठाई है और मुझे यकीन है कि मेरे प्रशंसक साथी सहयोगी आज अगर मैं आरएलडी में आया हूं तो वो इस निर्णय का भी स्वागत करेंगे। हेलो विवेक जी, आपको आवाज आई? मैंने एक प्रश्न पूछा है आपसे। जी पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठाती है कि राहुल गांधी को कांग्रेस लॉन्च कर रही है, 24 के चुनाव में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, फिर वो चाहे रायबरेली सीट हो, अमेठी सीट हो, कांग्रेस अपने नए नए उम्मीदवारों को ला रही है और प्रचार प्रसार कर रही है उनका। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लॉन्चिंग की बात करती है जबकि खुद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे को लॉन्च किया जाता है? नहीं देखिए, इसमें दो बातें हैं, आपको स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी कि इतने लंबे साल, इतने लंबे कार्यकाल भारत में शासन करने के बाद भी कांग्रेस के जो उत्तराधिकारी हैं उनकी राजनीतिक परिपक्वता स्पष्ट नहीं है। वो तय नहीं कर पा रहे हैं पहले तो कि उन्हें इस भारत के लिए काम करना है कि उन्हें कांग्रेस के लिए काम करना है कि उन्हें अपने दलगत राजनीति के लिए काम करना है। राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता हो सकते हैं, मुझे इसमें कोई उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि जब वो मंचों से बात करते हैं, जब वो मंच पे खड़े होकर के जनता को संबोधित करते हैं तो जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं जता पाती? इसकी समीक्षा तो राहुल गांधी को करनी चाहिए ना। मैं कहता हूं कि आज मोदी जी की एक लहर जब चली, मोदी जी के जब भाषण होते हैं, मोदी जी के द्वारा जब कोई बात कही जाती है तो उसका जनता पे सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी जी को एक ही बात समझाने में इतना समय निकल जाता है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक पहुंच जाते हैं लेकिन वो बात जनता नहीं समझ पाती। तो मुझे लगता है कि भारत जिस परिपेक्ष में, जिस परिवेश में समझता है, उस भाषा की आंका अगर राहुल गांधी जी इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि उनकी लॉन्चिंग सफल हो जाए। फिलहाल तो यही स्थिति है कि राहुल गांधी जी को अपने आप को प्रमाणित करना पड़ता है हर बार और जनता उस बात का प्रमाण लेते लेते थक जाती है लेकिन भरोसा नहीं कर पा रही है, तो ये राहुल गांधी जी को आकलन कर रहा है। जी ठीक है, दीपचंद जी और आरिफ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आरिफ जी आ रही है? हाँ आरिफ जी, एक बड़ा सवाल उठाया गया है गठबंधन पर और गठबंधन खास तौर पर एक सवाल उठाया गया है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस लगातार अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रही है, लॉन्चिंग कर रही है। आखिर रायबरेली सीट, अमेठी सीट गढ़ मानी जाती है कांग्रेस का और इसी सीट को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, जवाब दीजिए आप।
मैं क्या सवाल उठ रहे हैं, मैं ये समझ पाया आपके सवाल आ नहीं रहे थे बीच में साहब, आपका सवाल फिर से दोहरा दें। आरिफ जी आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मेरा प्रश्न ये है कि लगातार अपोजिट पार्टी यानी कि क्या है कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है कि कांग्रेस गठबंधन में स्पेशली कांग्रेस लगातार अपने प्रत्याशियों को लॉन्च कर रही है, निशाना राहुल गांधी पर भी लगा है। जी, इसमें बुराई क्या है? अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट को लड़ा रही है तो उनको लॉन्च नहीं करेगी तो उनका प्रचार प्रसार कैसे होगा, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? लेकिन सिद्धांत जी हमारे सहयोगी तो बार बार कह रहे हैं कि रायबरेली सीट हो या फिर अन्य सीटें हो, लगातार वहां पर सोनिया गांधी जी जाती हैं और कहती हैं कि हम रायबरेली की जनता को सौंप रहे हैं अपना बेटा। मैम आज जो राहुल गांधी जी को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं पूरे देश में, उनको सिर्फ मोदी जी का सहारा है जी। अगर मोदी जी उनकी सीट पर नहीं पहुंचते हैं तो वो अपने को हार मान के बैठे हुए हैं, कहीं योगी जी का सहारा है, कहीं अमित शाह जी का सहारा है, तो अगर उनके प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और योगी जी तो मोदी जी के चेहरे पर या अमित शाह के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो ये उनकी पार्टी का विषय है। हमारी पार्टी हमारे गठबंधन के नेता अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उसमें किसी को बुरा मानने की कोई जरूरत है। और राहुल गांधी जी आज देश के नहीं बल्कि विश्व के नेता लेकिन इसी दल बदलू पार्टी से कई नेता निकलकर बीजेपी में शामिल होते हैं, कई तो आरएलडी में शामिल होते हैं, फिर भी आपके गठबंधन को आपकी पार्टी को दल बदलू पार्टी को कहते हैं जाता है। सत्ता पक्ष को जवाब दीजिए आरिफ जी। नहीं, आप सवाल सुनिए, बताएं आपकी भारतीय जनता पार्टी को निकल कर क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी नहीं रही क्या लोगों? नहीं तो कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र है, जिसकी जहाँ आस्था करे वहां जा सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। जो पार्टी में लगाना चाहता है, जो नहीं लगाना चाहता है वो चला जाए जहाँ उसकी आस्था है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। जी आरिफ जी, ये कोई इशू नहीं है। देखिए इशू ये होना चाहिए कि आज 45 साल का बेरोजगारी का इतिहास टूट गया है, युवा सड़कों पर अपना भविष्य चला रहे हैं, उनको मिल रहे हैं भविष्य तोड़ रहे लाते हैं, तो आज उनका ये होना चाहिए राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी या अमित शाह या योगी जी, वो अपनी पार्टी के प्रचार करेंगे। लेकिन आज जो मुद्दा है असली महंगाई का है, आज मुद्दा ये है कि हमारे अस्पतालों में दवाएं नहीं उपलब्ध है, सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, वहां मरीज जाते हैं अगर उनको अच्छा इलाज समय से नहीं मिलता है उनकी जान चली जाती है तो उनको सीमारदार कंधों पे लाद करके साइकिल पर लाद के ठेलिया पे लाद कर ले जा रहे हैं, उनके लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी पाठशालाओं में बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें फीस इतनी ज्यादा है कि आम आदमी उसको पढ़ा नहीं पा रहा है, इसलिए ये मुद्दे होने चाहिए बातचीत के। आज डिबेट इसी पर होना चाहिए और आज मुद्दा यही है जनता का। जनता आज अगर वोट करने जा रही है तो वो रोजगार को चुन के दे रही है, वो महंगाई को देख के दे रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। आज इंडिया गठबंधन के पक्ष में आम जनता अगर वोटिंग कर रही है तो उसको देश का किसान क्या कर रहा है, जहां पर किसानों को रोकने के लिए कैमरा लगा दिए गए, तीन कांटे लगा दिए गए, 700 किसान शहीद हो गए और इस तरह से महिलाओं को इस तरह से बड़ी दूर में हाथ रस में उन्नाव में घटनाएं हुई है, लखनऊ सीट को लेकर इंडिया गठबंधन पूरा उम्मीद में है कि आखिर 4 जून को यहां से क्या रिजल्ट आने वाला है। आरिफ जी, आरिफ जी, रायबरेली अमेठी और लखनऊ सीट पर सभी की निगाहें तेज हैं, तो पांचवें चरण का चुनाव चल रहा है, ऐसे में 4 जून को लेकर अभी समय दे दीजिए, अभी तो केकेडी पे बैठा हूं, उम्मीदें हैं केकेडी पे बैठा हूं, केकेडी केकेडी
अच्छा हाँ, क्या न्यूज देना? गवर्नमेंट की सरकार बनने जा रही है रायबरेली में, हम लोग लाखों लाख से हमारे प्रत्याशी जीते हैं, लाखों लाख से, वहाँ कोई मुकाबला किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को देश की महान जनता ने ठान लिया है गलती से उतारने के लिए, इसलिए सभी धर्म बंधन तोड़ करके, जातियों का बंधन तोड़ करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चरण इस बार की गवाही दे रहा। जी ठीक है सिद्धांत जी, अभी आरिफ जी ने कहा, जैसा कि आपने बोला कि लॉन्चिंग हो रही है, लॉन्चिंग वाले सवाल का जवाब भी मिल गया है, अब आप बताइए सिद्धांत जी। यहाँ पर मैम इन्होंने कई बातें कही है, एक मिनट रुक, सिद्धांत जी विवेक जी आरएलडी से पक्ष रख रहे हैं, आरएलडी बीजेपी एक ही मानी जाती है, गठबंधन का भी हिस्सा है आरएलडी, तो ऐसे में आप ही आरिफ जी के सभी सवालों का जवाब दे दीजिए, और जो उन्होंने बोला कि लॉन्चिंग नहीं हो रही है, लॉन्चिंग तो हर पार्टी करती है। बिल्कुल जायज बात है, लॉन्चिंग हर पार्टी करती है, इसमें मैं कहीं से भी आरिफ जी की बात को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन लॉन्चिंग एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। अगर बार बार किसी को लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है तो उसको थोपना कहते हैं। और उससे बड़ी बात, अभी आरिफ भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं, तो मैं तो पूछूंगा कि चार बार कार्यकाल में लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस बराबर रही केंद्र में, भाई इतने सालों में देश में क्या ऐसी स्थिति थी कि आप जमीनी आवश्यकताएं या जमीनी जो जरूरतें थी उनको मजबूत ना कर पाए उत्तर प्रदेश या इस देश में, कि जिसकी वजह से उन जमीनी स्तर पे, उस जमीनी कार्य पे आज भाजपा को काम करना पड़ रहा है। मैं तो ये सवाल उठाऊंगा, क्या कारण था कि पेड़ तो दिख रहा था लेकिन अंदर का तना खोखला था? भाई तना मजबूत होता तो पेड़ को सींचने में भी मजा आता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया इस देश को, वो स्ट्रक्चर केवल एक खोखला स्ट्रक्चर था जिसके अंदर मूलभूत आवश्यकताओं का संचरण और संरूपण आज भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए के घटक दलों को करना पड़ रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि इतने सालों तक लगातार सत्ता में बने रहने के बाद भी अगर आज स्वास्थ्य सेवाओं पे सवाल उठता है तो गलती किसकी है? अगर इतने साल तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात अगर की जाए कि आप कहते हैं कि हमने एम्स बनाया, तो एम्स की बिल्डिंग खड़ी करने के बाद उसके अंदर वो मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं थी जो कि भाजपा शासित सरकार में लाई जा रही है? मैं तो ये पूछूंगा, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, भाई कंप्यूटर तो आप ले आए थे इस देश में, बिल्कुल ये जायज बात है, हम स्वीकार करते हैं, इसके लिए आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को हम लोग धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन क्या कारण है कि कंप्यूटर लाने के बाद उसको आपने डब्बा बना के कोने में रख दिया? क्यों आज जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, क्यों जो आधुनिकीकरण आज हो रहा है, ये आपके कार्यकाल में नहीं हुआ? सवाल तो उठेंगे ना, सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत से भ्रष्टाचारों की एक लंबी फेरिस्त है, चूंकि डिबेट डिरेल हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जाना। जी विवेक जी, आरिफ जी, इन सभी सवालों के अगर आप जवाब देते चले। जी जी, देखिए इन्होंने डिबेट को डिजाइन कर भी दिया, मैंने कई मुद्दे उठाए लेकिन इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बात की है। सबसे बड़ा खामियाजा आज उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है, इस देश की जनता भुगत रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की सरकार ने और कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार की 90% आपको 15 जमीनों पे बता देते हैं आपके प्रधानमंत्री की सरकार के अंदर की हमने वहाँ पे एम्स दे दिया,
और जब वहाँ पे हमारे पत्रकार साथी रहते हैं तो वहाँ बंजर और खेती की जमीन पाते हैं। इस तरह का झूठ और भ्रम फैलाने का आप लोग बंद कर लीजिए। विवेक जी के माइक को म्यूट कर दीजिए। एक एक करके अगर अपने मुद्दों को रखेंगे तो मेरी पाठशाला 55 साल तक 17 मेडिकल कॉलेज। अगर एक एक करके आप सभी अपने मुद्दों को रखेंगे तभी तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे। आरिफ जी भाई ये देखिए लगातार बोलेंगे अगर ये सपा से है तो हमारे साथी साथी जब आप कर जाएंगे तो सुविधा देने से आप और सुविधा नहीं दे पाएंगे जो सरकार सुविधा देती है। आपने कोई काम नहीं किया। आप मुद्दों को भड़का करके जनता का वोट लेना चाहते हैं लेकिन अब जनता आपके भ्रामक प्रचार में आने वाली है। ना जनता आपके विश्वास आप पे क्यों नहीं कर पा रही है आप इसका जवाब दीजिए ना कि जनता क्या कारण है कि राहुल गांधी जी को बार बार आप ठोकने का प्रयास कर रहे हैं। भाई हम तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हर नेता हर राजनीतिक दल में किसी नेता को लॉन्च किया जाता है लेकिन राहुल गांधी जी को तो आप लगातार लॉन्च कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरे भी प्रश्नों के जवाब देते चले। विवेक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है बिल्कुल। विवेक जी आपने अभी एक प्रश्न उठाया कि समाजवादी पार्टी काफी समय से यहाँ पर रही यूपी में जिस तरह से उन्होंने विकास नहीं किया। अभी आपकी अगर मैं बात करूं तो कुछ दिनों पहले आप भी समाजवादी पार्टी में थे और आपने भी समाजवादी पार्टी के बखान गाए लेकिन जैसे ही आप पार्टी बदलते हैं आप दूसरी पार्टी पर इतने गहरे सवाल उठाते हैं और जब प्रवक्ता बोलते हैं तो आप उनको बोलने का वक्त नहीं देते हैं। अब जवाब ले लीजिए। देखिए एक प्रवक्ता के तौर पे जब तक मैंने पहले स्पष्ट किया कि जब तक मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहा मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ किया और जब वैचारिक सिद्धांतों के आधार पर मैंने खुद निर्णय लेकर के इस पार्टी को छोड़ करके आरएलडी ज्वाइन की है तो अब मेरा जो दायित्व है मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और ये मेरा नैतिक धर्म भी है। तो और मैं एक बात कहता हूँ चैनल के भी बात को बरकरार रखें और एक एक करके सभी को उनके बोलने का मौका दीजिए ना। मैंने आपको पूरा मौका दिया सवाल रखने का अब जवाब भी तो सुन लेते ना आप समाजवादी पार्टी से। आपने जो एक सवाल किया आरएलडी में जो है वो भाई साहब विवेक भाई उसमें थे और ये था आपको शायद याद नहीं होगा 2019 से पहले माननीय मुलायम सिंह जी ने भी ये बात कही थी कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं 2019 में वो नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो ये विचारों का मेल है ये स्पष्टता है। हमें किसी के विचार अगर समझ में आते हैं माननीय जो चौधरी चरण सिंह जी थे जो भारत के किसानों के मुखिया रहे उन्होंने किसानों की आवाज हमेशा जो उठाई और उनको उनको जब उपेक्षित उनके लिए किसको काम नहीं किया उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए था और नहीं दिया गया जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो जब व्यक्ति को उसके कार्य का सम्मान सही जगह पर मिलता है तो वो वहां पर जाता है इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ये लगता है यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती है। जी सिद्धांत जी आरिफ जी अब अपना पक्ष रखिए। आरिफ जी आपको आवाज मेरी आ रही हो तो अपना पक्ष रखिए। दीप चंद जी आपको आवाज आ रही मेरी? जी मेरी आ रही है। ठीक है दीप चंद जी कई सवाल उठे आ रही है मैडम आप कई सवाल उठे और इससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि रायबरेली अमेठी और लखनऊ कांग्रेस क्या उम्मीद कर रही है 4 जून यानी कि रिजल्ट वाली तारीख पर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस समाज की लड़ाई चौधरी चरण सिंह जी लड़ते थे उस समाज का आपने क्या किया? आपके केंद्रीय मंत्री ने उनको अपनी गाड़ियों से कुचल दिया। आपकी सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी उनकी आवाज दबाने के लिए कील काटे लगा दिए और 750 किसान शहीद हो गए। ये कौन सा भारत रत्न आप देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट की लालच में केवल चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं और जो हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब थे जब उन्होंने अपनी सरकार में बिहार के अंदर लोगों को आरक्षण देने की बात कही थी तो यही जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी सरकार गिरा दी थी। आज वोट की लालच में उनको भारत रत्न देने का काम कर रहे हैं। तो वोट ऐसे नहीं मिलने वाला है जनता सब समझती है। आप सड़कों पर किसानों को मारोगे और भारत रत्न देने का काम करोगे तो किसान भी समझ गया है और किसान ही इस देश की दशा और दिशा बदलने जा रहा है। भारत का किसान आज इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा।
जी सिद्धांत जी, आप कुछ कह रहे हैं? अंधाधुंध फायरिंग को भूल गए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई थी, जो कांग्रेस सरकार ने ही करवाई थी, जो आपके इंडिया अलायंस का हिस्सा है, आप शायद उनको भूल जाते हैं। और दूसरी बात, जिसने गाड़ी के नीचे किसानों को कुचला, उसको रैपिड एक्शन कोर्ट के तहत उसको सजा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो आपने अभी तक, आपके कितने नेता ऐसे हैं, मैं आपको एक नया एग्जांपल देता हूं, स्वाति मालीवाल आप ही आपके ही इंडी गठबंधन के आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लात और घूसों से मारी जाती हैं। तो एक महिला और एक कार्यकर्ता को आप कितना सम्मान दे रहे हैं, ये तो पूरी जनता देश की देखी रही है। और उसके उस पर आपके ही मुखिया अखिलेश यादव भी टिप्पणी करते हैं कि स्वाति मालीवाल या महिलाओं का जो मुद्दा है वो देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे पास और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो जनता ये सब देख रही है, देश की जो आधी आबादी जो महिला है वो देख रही है। सिद्धांत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। एक प्रश्न मेरा भी है, लखीमपुर सीट आपको याद हो तो, और लखीमपुर में जो कांड हुआ था वो आपको याद हो, और आज उन्हें ही मौका दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें ही मौका देती है। मैम, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपने पिछले डिबेट में भी ये बात कहते रहा हूँ, महिलाओं का चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो संदेश थाली हो, और चाहे अब वो दिल्ली हो, जहां महिलाओं का अपमान जहां पर भी किया गया हो वो गलत है, वो किसी भी पार्टी के द्वारा किया गया वो गलत है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन मैं लेकिन सवाल जनता ये भी पूछ, सिद्धांत जी फिर तो आपको अपनी पार्टी की ही निंदा करनी चाहिए। मैम, निंदा तो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि जब मैं मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आप जब लखीमपुर की बात आती है तो आप कहते हैं कि वो देश की बेटी है, लेकिन दिल्ली में जो स्वाति मालीवाल है वो क्या देश की बेटी नहीं है? क्या संदेश थाली में जो हजारों महिलाएं हैं जिन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, क्या वो देश की बेटी नहीं है? आपने शायद ये बात कोट नहीं की कि संदेश थाली, एक मिनट, संदेश थाली की पीड़िता को ही हमने टिकट दिया। आपने ये बात अपने डिबेट में नहीं बताई कि संदेश थाली में जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो उनकी आवाज उठा रही है, हमने उनको अपना कैंडिडेट बनाया, अभी तो आपने ही टिकट दिया। सिद्धांत जी, फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया थोड़ी देर में जानेंगे, दीपचंद जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। दीपचंद जी, आरिफ जी, जी मैं क्या सुन रहा हूँ, प्रतिक्रिया ऐसा है कि भाई साहब ने अभी स्वाति मालीवाल की बात की, संदेश थाली की बात की, ठीक है, संदेश थाली में जो भी हमारी महिलाओं के साथ, बहनों के साथ हुआ, मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ, और उनके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त होनी चाहिए, चाहे स्वाति मालीवाल जी हो और उस मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, केजरीवाल जी ने, मुकदमे हुए हैं, उसकी जांच चल रही है, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भाई साहब मणिपुर पे नहीं बोलता, दिल्ली पुलिस थोड़ा आप हमारी बात सुनिए, आपने मणिपुर तक कोई बात नहीं की, जो पूरे विश्व में भारत को शर्मसार करने की घटना, आपने उन महिला पहलवान बहनों की बात नहीं की जिन्होंने देश की संसद के सामने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, जिसको विश्व स्तर तक कवरेज किया लोगों ने, वो भी शर्मसार करने वाली घटना है। उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, और आपने BHU की IIT छात्रा की घटना के बारे में नहीं बताया, आपने स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ जो हुआ था वो नहीं बताया, आपने हाथरस की बात नहीं की, आप संदेश थाली और स्वाति मालीवाल पर आपने भाषण दे दिया, बात खत्म हो गई। आप दोनों बात करिए कि यहाँ भी सरकार फेल है, आप जब फेल है तो बताइए कि हम फेल है, हमने तो एक्सेप्ट किया कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ उसको मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया देंगे तो, और उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे सख्त से सख्त। संदेश थाली के लिए भी मैं सहमत हूँ कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, हमारी माताओं बहनों के ऊपर कोई अगर जुर्म करेगा तो उसको बचा नहीं जाना चाहिए, लेकिन मणिपुर में भी जरा आप आवाज उठा दीजिए, आपके प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोलते हैं, आज भी मणिपुर शांत नहीं, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से विफल है, इस बात को स्वीकार करिए, ठीक है। दीपचंद जी, विवेक जी, आप कई समय से कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी जी विवेक जी बोलिए। देखिए
देखिए अभी बहुत अच्छी बात रही, क्योंकि जो भी प्रवक्ता थे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो भी थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और वो संज्ञान किस प्रारूप में लिया गया, किस तरीके से क्रॉस एफआईआर के माध्यम से लिया गया वो भी सब देख रहे हैं, किस तरीके से वीडियो डिलीट की गई वो भी देखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात एक आती है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि मणिपुर पे बात क्यों नहीं होती, मणिपुर पे बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि मणिपुर एक ऐसी वैश्विक स्थिति के बीच में खड़ा हुआ है जिसपे मुझे लगता है कि पता नहीं इनको पता है कि नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सही होमवर्क करके आते तो आपको पता चलता कि मणिपुर में जितनी हमारी सुरक्षा एजेंसियां और इंटेलिजेंस सतर्कता से काम करके वहां पे शांति बहाली का प्रयास कर रही है, वहां पे जा करके मीडिया ट्रायल कराने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे बिल्कुल आने वाली जो विभत्त तस्वीरें हैं वो चाहे किसी दल के लोग हो, ये नैतिक जिम्मेदारी है इस भारत के भारतीय होने का, हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो मणिपुर के लोगों से अपील करके शांति बहाली में जो भी योगदान दे सकता है देना चाहिए उसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी जी की तरह से गए एयरपोर्ट के बाहर थोड़ा सा आधा किलोमीटर के दायरे में एक चक्कर काट आए और वहां पे राजनीतिकरण करके वहां पे भड़काने का काम कर दिया गया। जहां अव्यवस्था होती है वहां पे शांति स्थापित करने के लिए एक रणनीति के साथ कार्य किया जाता है, जो कि हमारी केंद्रीय सतर्कता एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां बखूबी कर रही है। और इसीलिए आज मणिपुर में सरकार की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, चाहे लोकतंत्र की बात हो, और चाहे हमारे विपक्ष के मित्रों द्वारा मणिपुर की बात हो, बात की जा रही है। मणिपुर भारत का अभिन्न अंग था, भारत का अभिन्न अंग है, उसके लिए सरकार को जो भी कदम उठाने होंगे सरकार करेगी, लेकिन उसका राजनीतिकरण करते हुए, उसका मीडिया ट्रायल करते हुए, इस तरीके से नहीं कि भारत की छवि लगातार प्रभावित होती हो। मणिपुर में कोई भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और मणिपुर के किसी भी एक सैनिक हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, सभी के हितों का ध्यान रखकर चलना ये विपक्ष की भी नैतिक जिम्मेदारी है और सरकार के साथ ऐसे समस्याओं पे खड़े होने की आवश्यकता है। जब इनकी सरकार थी सेंटर में, कई बार ऐसी आपत्ति, जब भारत के ऊपर कोई विपदा आई तो भाजपा सरकार ने बाकायदा, चाहे वो जनसंघ की बात करिए, चाहे भाजपा की बात करिए, एनडीए घटक दलों की बात करिए, सभी ने सरकार के साथ, यूपी के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाया है। लेकिन आज कांग्रेस अपनी उस नीति के निकृष्ट स्तर पर आ गई है कि सरकार अगर अच्छे कार्य करती है, चंद्रयान भेजती है उसमें भी आलोचना ढूंढना है, अगर सरकार अंतरराष्ट्रीय कोई समिट जहां पे अपनी बातें रखे उसमें भी आलोचना ढूंढना है, अगर देश के विश्वविद्यालय इनको नहीं बुलाते तो विदेशों में जाकर के वहां के विश्वविद्यालयों में भारत की आलोचना करनी है। मुझे लगता है थोड़ा सा इतिहास देखिए कि आपको भारत के साथ खड़े होना है, ना कि भारत विरोधी शत्रुओं के साथ खड़े होना है। आपको पहले तय करना पड़ेगा आप भारत की राजनीति कर रहे हैं या भारत तोड़ने वालों की राजनीति कर रहे हैं। पहले इस लकीर को समझ लीजिए, उसके बाद जो कहना है कहिए। जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने कि हमें भारत के साथ खड़े होना चाहिए, भारत के विकास के लिए खड़े होना चाहिए। दीपचंद जी, भारत के विकास और भारत के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दीपचंद जी आपको आवाज आ रही मेरी? दीपचंद जी जी, दीपचंद जी भारत के साथ भारत का विकास क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अभी हमारे साथी बोल रहे थे, मैं बहुत जोर से उनको सुन रहा था, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि सरकार की गलत नीतियों की आलोचना को भारत का या राष्ट्र का विरोध बता दिया गया, और ये नैरेटिव लगातार सेट किया गया। अगर किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा तो वो कि परमाणु बम से डरना चाहिए पाकिस्तान के पास, परमाणु बम है पाकिस्तान को डरना चाहिए, नरेंद्र मोदी की बात तो समझ नहीं आती है, भारत की बात समझ में आती है। लेकिन आपके प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बैठे हुए, बताइए हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए, मणिपुर का माँ बोलने की भी हमें अंदर हिम्मत नहीं, और आप कहते हैं कि मणिपुर में शांति है। वहाँ का जो सेलिब्रिटी था वो गेमर, उसने रो करके कहा कि प्रधानमंत्री जी यहाँ के लोगों की आवाज सुन लीजिए। कितने लोगों ने जाकर के कहा, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लोगों ने कहा कि हमसे सहयोग ले लीजिए, वहां पर सेना और पुलिस में आपसे सामंजस्य नहीं है और सेना के लोग असलहे उठा ले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वहां पे प्रयास हो रहे हैं। इस तरह की भ्रामक खबरें फैला करके आप शांति के प्रयास अगर करेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष आपका साथ देगा, लेकिन आप गलत बातें जब करेंगे तो विपक्ष आपको क्रिटिसाइज करने का भी काम करेगा, ये विपक्ष की ही। जी विवेक जी अब आप अपना पक्ष रखिए, आप कुछ कह रहे थे उस समय।
विवेक जी, और इसमें कोई आलोचना कोई आपत्ति मुझे नहीं महसूस होती है कि इन्होंने जो कहा गलत नीतियां होंगी तो आप आलोचना करेंगे, उसका बिल्कुल स्वागत होगा और स्वागत के साथ उसके विचार मंथन करके उसका सुझाव भी लिया जाएगा। वो मुझे लगता है कि नरेंद्र बात भारत की हो रही है, किसी राजनीतिक दल की नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, आज चुनाव चुनाव जब हो रहे हैं, आज क्या कारण है कि जितने मतदान, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता दूं, लखनऊ की बात कर लेते हैं, लखनऊ में अभी तक अगर 26-27% वोट अगर अभी तक पड़ चुका है तो ये पूरा का पूरा एनडीए का वोट है। मैं तो ये पूछूंगा कि क्या कारण है कि इंडिया अलायंस पे भरोसा करने वाले जो वोटर हैं वो घरों से नहीं निकल रहे हैं, उस दिशा में आप काम क्यों नहीं करते भाई? आज तो एक लोकतंत्र का महापर्व है जहां पे हमको और आपको मिल करके रणनीति के साथ कम से कम वोटरों को वोट डालने के लिए मतदान स्थल तक ले जाने की आवश्यकता थी भाई। मुद्दों पर तो हम लड़ते ही रहते हैं ना, लेकिन अभी तक तो केवल और केवल एनडीए का वोटर घर से निकला है, इसका क्या कारण है? वो वोटर घर से निकला है जिसके घर पे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, जो आरएलडी में भरोसा करता है, जो एनडीए गठबंधन में भरोसा करता है, केवल वो मतदान कर रहे क्यों बाहर निकल रहे हैं बताइए मुझे? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं। कारण ये है कि भीड़ को देख करके खुश होने वाले ये भूल जाते हैं कि भीड़ तो आप हर चुनाव में जमा कर लेते हैं, लेकिन वो भीड़ क्या कहीं हास्य के लिए तो नहीं होती? वो भीड़ कहीं मनोरंजन देखने तो नहीं आती है? ये भी आपको तय करना पड़ेगा भाई। हमने इसके पहले भी पूर्ववर्ती में कई भीड़ें देखी, लेकिन वो भीड़ क्या वोट देती है? लगातार सरकार से आप बाहर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने के साथ क्रीमी लेयर के बीच में बैठ करके आप रणनीति बनाते हैं जिसके कारण कार्यकर्ता खुद आपसे कटता जा रहा है। ये मत सोचिए कि कार्यकर्ता केवल आपके साथ नारे और भंडारे के लिए खड़ा रहेगा, और कार्यकर्ता जब अपनी उपेक्षा देखेगा तो उसके बाद भी वो आपका झंडा उठाएगा। राजनीतिक दल जब अपने मंतव्यों से विमुख होते हैं तो कार्यकर्ताओं की उदासीनता उनको भारी पड़ती है। अभी एक सवाल आया था, बिल्कुल आया था, जायज बात है। मैं तो कहूंगा कि भाई विवेक पांडे के जाने से तो समाजवादी पार्टी में लोगों के लिए अवसर के द्वार खुले हैं। बनिए प्रवक्ता, आइए और करिए डिफेंड। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ना कि आपको जो भी दायित्व मिलता है उसका ईमानदारी से निर्वहन तो करिए, तभी तो आप राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आप आलोचना में व्यस्त हो जाते हैं। पहले उन मुद्दों को, उन कारणों को ढूंढिए, कारणों पर काम करिए पहले, तब आपको समझ में आएगा कि कार्यकर्ता आपसे विमुख क्यों हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आज इस पटल पर करने योग्य नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जहां रहिए ईमानदारी से अपने धर्म का निर्वहन कीजिए। और एक बात, ये राष्ट्र जो है ये सांस्कृतिक विरासत वाला राष्ट्र है, इस राष्ट्र की अखंडता के लिए क्षेत्रीय दलों को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र के विकास में तो आपका कोई योगदान नहीं है। आप केवल क्षेत्रीय भौगोलिक राजनीति में, जातिगत राजनीति में उलझा करके लोगों को समय काट रहे हैं अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। और माफ कीजिएगा, अखिलेश जी दूरदर्शी हो सकते हैं, लेकिन अखिलेश जी के आसपास की जो क्रीमी लेयर है वो केवल और केवल कुंठा और सीमित रहते हुए एक जातिगत राजनीति करने की दिशा में प्रेरित है, जिसकी वजह से आप मेरी बात को याद रखिएगा, ये पार्टी 4-5 सीट की रह जाएगी और सिमट करके ये अपना अस्तित्व खो देंगे। देख लीजिएगा आप, अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो छिना ही, अभी देखते जाइए क्या क्या छिनेगा। ठीक है विवेक जी, तो आज के पांचवें चरण के चुनाव के हिसाब से क्या लग रहा है, 4 जून को क्या नतीजे आएंगे इन सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर? मैंने दे दिया कि क्या कारण है कि अभी तक जो वोटर निकला है, लखनऊ की बात करें 22-23% जो भी वोटर बाहर आया वो केवल भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, वो एनडीए गठबंधन का वोटर है, इंडिया अलायंस का वोटर घर से क्यों नहीं निकल रहा है? और राजनाथ सिंह जी देखिएगा, ऐतिहासिक इस अभी तक उत्तर प्रदेश का 5 लाख से अधिक रिकॉर्ड मतों से विजयी होने जा रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि राजनीति की दूरदर्शिता, परिपक्वता और जमीनी नब्ज को जानते हैं राजनाथ सिंह जी। वो ऐसी राजनीति नहीं करते कि बस वो आए 4 दिन पहले और उसके बाद फोटो खिंचवा करके गायब हो गए। वो पहले भी सक्रिय थे, वो आज भी सक्रिय है, उनकी टीम आज भी सक्रिय है, एनडीए सक्रिय है, एनडीए के घटक दल सक्रिय है। वो समाजवादी पार्टी की तरह ये नहीं कि चुनाव के 2 दिन पहले एसी कमरों से निकले। मैंने अभी देखी थी, बहुत अच्छी बात आपने याद दिला दी, अभी 2 दिन पहले अखिलेश जी की एक रैली हुई, आपने देखा होगा, केडी सिंह बाबू स्टेडियम से लेकर जीपीओ तक। अब बताइए केडी सिंह बाबू से लेकर के जीपीओ तक, केडी सिंह बाबू स्टेडियम से लेकर जीपीओ तक की दूरी मुश्किल से होगी तो 1.25 किलोमीटर के आसपास। अब जिस राजनीतिक दल को 1.25 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की लोकसभा सीट दिखाई दे रही हो और उस 1.25 किलोमीटर में इनको सारे वोटर दिखाई दे रहे हो, आप खुद ही आकलन कर लीजिए कि ये लोकसभा में कितनी तैयारी करके उतरे हैं। ये इवनिंग वॉक करने चले थे जिसको कि मीडिया में ये बताया गया कि ये रैली निकल रही है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दूरदर्शिता और अपरिपक्वता का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। उनके जो रणनीतिकार हैं वो खुद लुटिया तो बोल देंगे, देख लीजिएगा।
और मेरे भाई बैठ करके मंच पे कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन ये भी जानते हैं कि केडी सिंह बाबू से लेकर जीपीए तक तो आदमी केवल टहलते हुए चला जाता है और ये उसको रैली का नाम देते हैं। मुझे लगता है रैलियां गांव में होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए, गलियों में होनी चाहिए, चौराहों में होनी चाहिए, खड़ंजों पे होनी चाहिए। आपको रैली वहां करनी चाहिए जहां हमारे राजनाथ सिंह जी आए थे, देखिए हमारा नेतृत्व आया था उससे भूतनाथ व्यापार मंडल से लेकर एबीसी ब्लॉक तक लेकर के फिर मुंशी पुलिया से लेकर के रिंग रोड तक हमारी 4 से 5 किलोमीटर की रैलियां हुई है, बाकायदा पदयात्रा, जनसंपर्क अभियान। आपका जनसंपर्क अभियान जो इन्होंने किया था उसमें भी कम से कम 10 ऐसे वो मंच लगा दिए गए थे जहां केवल फोटो खिंचवाने की सेल्फी सुविधा मिल सके। अब वो सेल्फी कितने लोगों को मिली ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो अब इनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि फोटो खिंचवाने से अगर आप राजनीति और सत्ता में बने रहते हैं तो सभी लोग फोटो खिंचवा के राजनीति कर लेते हैं। ठीक है विवेक जी, तो आज रायबरेली और अमेठी और साथ ही साथ लखनऊ सीट पर सभी की निगाहें हैं और इसी पर हमने चर्चा भी की। तो आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा 2024 के चुनाव के पांचवें चरण के आज चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का हुजूम भी लगा हुआ है, लेकिन खास बात ये है कि मतदाता किस ओर वोट करेंगे, किस ओर उनका वोट जाएगा और वोट बैंक पर किसका खासा असर होगा ये तो हमें 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन पांचवें चरण के 14 सीटों पर यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर सभी यानी कि जनता से लेकर प्रत्याशी तक सभी अलर्ट मोड पर हैं और अपने एक एक मत का सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये नारा चला है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो पांचवें चरण का चुनाव है और पांचवें चरण के चुनाव में यूपी की 14 सीटों पर चुनाव हो रहा है जिसमें खास फोकस है अमेठी, रायबरेली, कैसरगंज और लखनऊ सीट पर। यहां पर दाव हो सकता है और कई प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो दाव पर लगी हुई है, उनमें से एक है स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह और कैसरगंज से करण शरण भूषण सिंह। लेकिन अब खेला क्या होगा, जीत किसकी होगी, राज तिलक किसका होगा ये तो 4 जून पर ही हमें पता चलेगा। तो आज की चर्चा हमने की रायबरेली, अमेठी और लखनऊ सीट पर क्या है हाल और मतदाताओं का किस तरफ बढ़ रहा है रुझान। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें केकेडी न्यूज़।